नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ क्या होता है कि अगर मान लो अभी नंबर ऑफ एटम मेरे पास एन नॉट है, और कितने समय के बाद नंबर ऑफ एटम एन नॉट बाई टू हो जाएंगे, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो कितने समय के बाद नंबर ऑफ एटम एन नॉट बाई टू हो जाएंगे का मतलब है कि वो समय जब नंबर ऑफ एटम हाफ हो गए। तो जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, 50 रुपए कितनी देर में खर्चा करूंगा वो मेरा हाफ लाइफ है। अब कोई दिलेर आदमी है वो जल्दी खर्चा भी जाके खर्चेगा नीचे जाके, तो उसका हाफ लाइफ छोटा है, पर मैं थोड़ा बचा के रखूंगा मेरा हाफ लाइफ ज्यादा है। तो यानी कि नेचर पे डिपेंड करता है कौन कितना ज्यादा जल्दी खर्चता है, ऐसी कौन जल्दी टूटता है। लैम्डा जितना बड़ा होगा तो जल्दी खर्चा जाएगा, जल्दी टूटेगा एटम, तो हाफ लाइफ छोटा होगा। तो कहीं ना कहीं हाफ लाइफ लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकलने वाला है। तो नेचर पे डिपेंड करता है। तो हाफ लाइफ होता क्या है, हाफ लाइफ वो टाइम है, हाफ लाइफ यानी कि स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो समय है, वो टाइम है जब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हो जाते हैं एन नॉट बाई टू के इक्वल हो जाते हैं। तो एन नॉट टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, एन नॉट बाई टू का मतलब कितने एटम बच गए। तो अगर मैं अपने फॉर्मूले में एन इज एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी में स्मॉल टी को कैपिटल टी पुट कर दूं और एन की जगह एन नॉट बाई टू पुट करूं, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, ये टर्म आएगी। डेरिवेशन मेरे ख्याल से आई ना आए, बस रिजल्ट याद करेंगे सीधा स्पेशली कॉम्पिटिशन के लिए। इसको जब पॉजिटिव करेंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा टू, दोनों साइड लॉग लगाएंगे। तो मैथ्स का रूल है, मेडिकल लोग समझ लें, जो पावर है ये वाली, ये पावर आगे आ जाती है लैम्डा टी और आपके पास क्या आएगा लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी, राइट। तो लॉग ऑफ ई टू द बेस ई मैथ्स में 1 होता है, तो यहां से सॉल्व करके आपके पास ये टर्म आ गई। अब लॉग 2 टू द बेस ई को 10 बनाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लॉग 2 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 में मल्टीप्लाई करके ये टर्म आएगी। तो यहां से प्लीज फॉर्मूला नोट करें, टाइम पीरियड हाफ लाइफ की वैल्यू 0.6931 बाय लैम्डा आएगी। तो वैसे इसकी डेरिवेशन है, पर ऑब्जेक्टिव में सीधा मार्क करने को आता है, और बहुत क्वेश्चन आते थे हाफ लाइफ पे, आएंगे नहीं आएंगे मुझे मालूम नहीं, अगर आ गए तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ 0.6931 बाय लैम्डा। तो जिसका लैम्डा ज्यादा है, डिके कॉन्स्टेंट ज्यादा है, वो ज्यादा डिके करेगा, जो ज्यादा डिके करेगा यानी कि उसका रेट टूटने का ज्यादा है तो वो जल्दी टूटेगा, तो उसका टाइम क्या आएगा कम आएगा। तो यानी कि लैम्डा एंड टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो फॉर्मूला नोट कर सकते हैं हाफ लाइफ का। इसी के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मेंशनड है कि सपोज करो आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने थे स्टार्टिंग में, एन नॉट थे, एन नॉट नंबर ऑफ एटम थे आपके पास एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड में नंबर ऑफ एटम एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन नॉट डिवाइडेड बाय टू हो गई, क्योंकि एक हाफ लाइफ में नंबर ऑफ एटम आधे हो गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन नॉट हाफ रेज टू पावर 1, ऐसी एट टाइम 2t नंबर ऑफ एटम एन कितने हो गए, एन नॉट बाय 4 हो जाएंगे बाय 2। तो आपके पास ऐसे लिखा जा सकता है एन नॉट हाफ रेज टू पावर कितना 2। ऐसी स्मॉल टी इज इक्वल टू 3t के ऊपर नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाय 8 हो जाएंगे, यानी कि एन नॉट हाफ रेज टू पावर कितना 3। तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड में नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एन नॉट हाफ रेज टू पावर 1, सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड में ये 2 हो जाएगा, थर्ड में ये 3 हो जाएगा, और nth में, nth का मतलब nth हाफ लाइफ पीरियड में नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला सीधा क्या बनेगा, n नॉट हाफ रेज टू पावर n। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेयर n इज इक्वल टू स्मॉल t बाय कैपिटल t। तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का ये फॉर्मूला भी सही है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला चलता है, वैसे बता दूं एक्सपोनेंशियल वाले कम चलते हैं। तो अब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट निकालने के लिए मेरे पास कुल मिला के 2 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास ये है एन नॉट हाफ रेज टू पावर एन, वेयर एन इज इक्वल टू स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो प्लीज इसे आप जो है नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है।